तो अब ये है एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। पहला वाला तरीका ये है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, मैंने बताया था ना, सीक्वेंस में एक रूल होता है, एक रूल आपने पकड़ना होता है। अब वो यहाँ पे रूल क्या होता है कि हर आने वाली टर्म, जिसको सक्सेसिव टर्म कहते हैं हम, और जो पहले वाली होती है प्रीसीडिंग टर्म कहते हैं, तो हर आने वाली जो टर्म होती है ना, वो कैसे आती है कि आप जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। अरिथमेटिक में था कि आप पुरानी वाली टर्म में कोई नंबर ऐड करते थे, ज्योमेट्रिक में ये कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। तो आने वाली टर्म कैसे आती है कि प्रीवियस टर्म को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो नंबर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इधर नंबर कुछ और उधर नंबर कुछ और हो। अगर वो थ्रू आउट नंबर सेम है, मतलब हर टर्म को मैं एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके नेक्स्ट वाली टर्म आ रही है, तो उस वाली सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ये डिफाइन करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, जैसे आपने उसमें देखा था, वहां पे होता था ना कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, क्योंकि एडिशन का अपोजिट क्या होता है? डिफरेंस। यहां पे आपने बात की है मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट क्या होगा? डिवीजन। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है कि जिसमें किसी भी कंसेक्यूटिव दो टर्म का रेशो जो है वो फिक्स रहता है। जैसे अगर आप इन दो टर्म का रेशो निकालो, रेशो किस तरह निकालो कि वही बात है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो रेशो क्या आ रहा है? 2 के बराबर। इसी तरह अगर इन दो टर्म का आप रेशो निकालो 8/4, ये भी 2 के बराबर आ रहा है। लेट कर लो इन दो का निकालो 32/16, ये भी किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो जो है वो फिक्स है, तो उस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक में उसको आप बोलते थे कॉमन डिफरेंस, इधर आप बोलते हो कॉमन रेशो, क्योंकि रेशो आपका फिक्स रह रहा है, तो उसकी वजह से आप कॉमन रेशो कह देते हो। तो ये दो डेफिनेशन है, एक है कि आप हर पुराने टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट टर्म आ रही है और वो नंबर फिक्स होना चाहिए, इस केस में जैसे 2 है, और दूसरी डेफिनेशन ये है कि कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो जो है वो सेम होना चाहिए। जब आप इस तरफ जाओगे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, जब आप रिवर्स में जाते हो, मतलब 4/2, तो आप डिवाइड कर रहे होगे। जैसे अरिथमेटिक में था कि इधर से आप जब इधर आते थे तो आप ऐड कर रहे होते थे एक फिक्स नंबर, लेकिन जब आप पीछे जाते थे तो आप डिफरेंस करते थे। ये थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, बाकी डेफिनेशन जो है ये आपको पेज नंबर 175 पे दोनों डेफिनेशन मिल जाएंगी। दोनों तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, एग्जाम्पल भी दी हुई है, तो वहां पर भी आप देखना, मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली जो हमारे यहाँ डेफिनेशन इन है वो रेशो वाली होती है कि कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो सेम है, लेकिन दूसरे तरीके से भी आप इसको समझ लेना। ये तो बात आपने देख ली कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती क्या है, इसके अंदर क्या पैटर्न होता है। मैं एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, मामला और क्लियर हो जाए। लेट कर लो, हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 3/2, 9/4। अब मुझे जरा कोई स्टूडेंट बताओ इसमें कॉमन रेशो क्या आ रहा है, जल्दी अगर कोई बता सकते तो बता दो, क्या कॉमन रेशो है इसके अंदर, किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो हर टर्म को? बहुत ईजी है, हाँ 3/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1 को 3/2 से करो 3/2 आ जाएगा, 3/2 को अगर 3/2 से करो 9/4, इसको 3/2 से करो 27/8। तो आप फिक्स नंबर से एक मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसको आप क्या बोलते हो? कॉमन रेशो। लिखते किस तरह? आर से हम लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे 3/2 है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई बात। अब जरा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाओ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। कॉन्सेप्ट वही है जो आप एपी में आपने लिया था कि पहली टर्म को तो लेट करना पड़ेगा ना, तो पहली टर्म लेट कर लो ए के बराबर है, ठीक है। अब आपको पता है जैसे एपी में आप ऐड करते थे, जैसे ए के अंदर आपने डी ऐड किया, फिर नेक्स्ट टर्म में दोबारा आपने डी ऐड किया, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो ए से आपने कॉमन रेशो आर को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको जब आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे आर क्यूब हो जाएगा। F2 जो इसकी nth टर्म है वो क्या होती है? ए आर की पावर एन माइनस वन। अगर इसका प्रूफ देखना है बुक में मौजूद है, वैसे भी समझ आ सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो, तीनों नाम इसके हो सकते हैं, nth टर्म, जनरल टर्म, और इसको आप लास्ट टर्म भी कह सकते हो। डिपेंड करता है एमसीक्यूज में या सवाल में किस तरीके से उन्होंने पूछा हुआ है, वो वाला नाम आप इसका चूज कर सकते हो। और शो वही करते हैं, TN इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन।
अब अगर बात की जाए इस जनरल टर्म के फॉर्मूले पे, अगर थोड़ा गौर करो आप, तो अगेन वही बात आपको मिलेगी कि इसके अंदर चार अननोन है, जैसे एपी में थे। कौन कौन से? तीन तो वही है, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म। वहां पे था कॉमन डिफरेंस डी, यहां पे क्या है कॉमन रेशो आर। तो वही चार अननोन है, आपको कोई भी एक दे देंगे, सॉरी कोई भी तीन दे देंगे और एक आपको निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले को वो इस तरह आपसे पूछ सकते हैं। मैं कोई एग्जांपल दे देता हूं आपको बुक की, जिसमें ये चीज हमने लगाई भी हो, अल्लाह भला करे। क्वेश्चन नंबर 1 है 6.4 का, उसमें तो जस्ट आपको बोला हुआ है इंडिकेटेड टर्म निकालो। जैसे पार्ट 1 में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 7, जब आप इनमें कॉमन रेशो निकालोगे तो वो 3 आएगा, मतलब आर की वैल्यू 3 है। और पहले पार्ट में बोला हुआ है 6 टर्म निकालो, तो एन क्या हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो ए की जगह 7, आर की जगह 3, एन की जगह 6 पुट करना, सॉल्व करना, आपके पास 6 टर्म जो है वो आ जाएगी। तो ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आप पुट करके देख लेना। मैं थोड़ा टेढ़ा वाला करवाता हूं आप लोगों को, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको मुश्किल बन सकती है। अच्छा जी, हाँ, तो एक तो सिंपल सवाल है जो मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 2-3 शुरू के पार्ट ट्राई कर लो, बस काफी है, ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला जो है वो सही तरह जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, जैसे ही आपने एपी में भी देखा था कि आपको अब टीएन दे देंगे, ए दे देंगे, आर दे देंगे और आपसे एन पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपने एपी में भी सवाल किया था, मैं जरा बताता हूं कौन सा सवाल है। ये बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। ये सीक्वेंस आपको गिवन है 18, 12, 8 अप टू, लिखा हुआ है 512/729। सवाल ये है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेम क्वेश्चन मैंने आपको एपी में भी करवाया था कि वो पूछ रहे हैं कि एक सीक्वेंस चलती हुई आ रही है, ठीक है, हमें ये बताओ कि ये जो टर्म है ये इस सीक्वेंस की कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है ना, 8 क्या है थर्ड टर्म है, तो भाई ये वाली टर्म कौन सी है, 10वीं टर्म है, 20वीं टर्म है, 50वीं टर्म है, कौन सी टर्म है, ये आपने पता करना है। तो इसमें गिवन क्या है, जरा ये फाइंड कर लेते हैं। गिवन ये कि आपको फर्स्ट टर्म पता है 18, अच्छा कॉमन रेशो पता है 12/18, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो निकालो क्या रहा होगा 2/3। तो आर आपको पता है, ए पता है और आपको nth टर्म पता है क्या है 512/729। आपको बेसिकली एन निकालना है कि ये वाली टर्म जो है ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, जैसे 10वीं टर्म है, 20वीं टर्म है, क्या है, तो आपको यहां पे एन मालूम करना है। अच्छा, अब इस सवाल में मैं दोनों सवाल कवर करवा देता हूं, क्योंकि एपी में मैंने दोनों अलग अलग करवाए थे, इसमें मैं एक ही सवाल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एपी में देखो दो किस्म के मैंने सवाल करवाए थे, एक तो इस टाइप का सवाल था जिसमें मैंने बोला था कि भाई बताओ ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, तो जो आपने वर्किंग की थी। उसके बाद एक और सवाल मैंने बताया था, वो आप लोगों की बुक में भी था, कि वो आपसे पूछते हैं कि क्या ये टर्म इस सीक्वेंस की टर्म है। जैसे सवाल आपके पास ये आ जाए कि क्या ये टर्म जो है ये इस सीक्वेंस की टर्म है, ये सवाल पूछा जाए, तो कैसे पता चलेगा कि ये इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं, मतलब इस सीक्वेंस में अगर आप आगे जाते जाओ तो क्या ये टर्म आ रही है या नहीं, इसका जवाब कैसे पता चलेगा। सेम वर्किंग आप इसी तरह करोगे, आप एन की वैल्यू मालूम करोगे। मैंने एपी के अंदर भी बताया था कि अगर एन फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर एन नेगेटिव है, अगर एन इरेशनल नंबर है या कोई भी डेसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब वो टर्म उस सीक्वेंस के अंदर नहीं आ रही। तो आप इसी मेथड को फॉलो करोगे, अगर एन तो नेचुरल नंबर आ रहा है, जैसे एन 10 आ जाए, तो सिंपल सा आंसर है भाई ये सीक्वेंस की 10वीं टर्म है। लेकिन अगर एन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब, या फ्रैक्शन जो भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है, क्योंकि अगर होती तो एन का आंसर नेचुरल नंबर आ रहा। तो दोनों सवाल एक तो इस तरह पूछेंगे, या एग्जाम में आपसे पूछ सकते, एग्जाम में एमसीक्यूज में तो इतना नहीं आता सवाल, लेकिन फिर भी दे सकते हैं वो कि भाई बताओ ये टर्म जो है ये सीक्वेंस की है या नहीं। तो आप एन निकालोगे, एन की वैल्यू से आप डिसाइड कर लोगे कि क्या वो टर्म इस सीक्वेंस की है या नहीं है। और आई एम श्योर बुक में ये वाला सवाल भी होगा, जीपी में नहीं, नहीं मिल रहा आपको ये वाला सवाल नहीं है, लेकिन एपी में था, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, तो आप देख लेना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी वैल्यू चेंज कर देना, इसकी जैसी वैल्यू चेंज करोगे, अभी तो एन नेचुरल नंबर आ रहा होगा ना, इसकी अपनी तरफ से कुछ वैल्यू चेंज कर देना तो एन फ्रैक्शन में आ रहा होगा या नेगेटिव में आ रहा होगा, तो वहीं से आप समझ जाओगे कि जो आपने चेंजिंग की है ना, तो वो इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है। तो इस तरह भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, ये करवा रहा हूँ ना, एक में सबर तो कर लो, मैं कह रहा था कि प्रोसेस में बता रहा हूँ, दोनों सवाल कवर करवा रहा हूँ, ये करवाई इसलिए कि ये मुश्किल सवाल है, इसलिए करवा रहा हूँ मैं।
इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे n जो है वो पावर के अंदर है, तो इसलिए थोड़ा मसला होता है स्टूडेंट को। तो जरा पुट करते हैं, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, tn क्या है यहाँ पे 512 अपॉन 729, a यहाँ पे है 18, r यहाँ पे है 2/3 की पावर n माइनस 1। अब इसको तो आप छेड़ नहीं सकते, ना इस 2 को छेड़ सकते हो ना इस 3 को छेड़ सकते हो क्योंकि ये पावर के अंदर मौजूद है, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इस 18 को आप छेड़ सकते हो, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 18 उठ के ना यहां पे नीचे आ जाएगा और ये नीचे 729 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप ये पूरी चीज, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास कैलकुलेटर है तो इतनी बड़ी वैल्यू आ सकती है एग्जाम में, टेस्ट में, तो ये पूरी चीज आप कैलकुलेटर में डालोगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा होगा 256 डिवाइडेड बाय 6551। ये सवाल मैंने इतनी दफा करवाया कि मुझे वैल्यूज याद हो गई हैं। आप इस पूरी चीज को 512 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 729 कैलकुलेटर में डालना, कैलकुलेटर आपको ये पूरी फ्रैक्शन दे रहा होगा और इसको अपनी जगह पे लिख लेना। अच्छा, होता यह है कि जब आपका जो अननोन है वो पावर के अंदर मौजूद होता है, जैसे आपने एन निकालना है वो पावर के अंदर मौजूद है, तो आप दो मेथड यूज करते हो। एक मेथड ये होता है कि आप किसी तरह बेसिस सेम कर लेते हो, इक्वेशन के दोनों तरफ बेसिस सेम होंगी पावर्स को इक्वेट करवा दोगे, और दूसरा तरीका होता है कि आप लोगैरिथम यूज कर रहे होते हो। लेकिन लोगैरिथम से हम इतना कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि बचपन से अलजेब्रा में हमने यही रूल पढ़ा हुआ है कि बेसिस सेम है पावर इक्वेट करवा दो, काइंड ऑफ ईजी भी होता है, तो हम उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे बेस 2/3 है, देखो इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, क्या करोगे इसके साथ, लेकिन इसको चेंज कर सकते हो। कैसे? अभी आपकी थोड़ी सी मैथ अगर आती होगी तो आप इसको ऑब्जर्व कर लोगे, वरना फंस सकते हैं आप। ये कैलकुलेटर भी आपको नहीं बताएगा, एक सिचुएशन में बता सकता है कि अगर आप इसका रूट मालूम करो, लेकिन 256 आपको दिखने में लगता है 2^8 होती है, ये इतनी मैथ तो आनी चाहिए आपको कि 256 गलत लिखा है, क्या आएगा 6561 आएगा, सही है। हाँ, तो अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 256 जो है वो 2^8 होती है, 2^8 करो तो 256 आ रहा होता है। जब आपने ये फिगर आउट कर लिया ना, तो नीचे वाला फिगर आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बेस में क्या है, 2 और 3 है, तो आपने 256 को 2^2 में कन्वर्ट करना है, वो आपने कर लिया। फिर नीचे यहाँ पे 3 है, कोशिश करो इसको भी आप 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। नहीं पता तो कैलकुलेटर में जाना, 3^5 लिखना, 3^6, 3^7, लेकिन यहां से आपको हिंट मिल जाएगी कि यहां भी 3^8 ही होगी, तो इस तरह आप आसानी से आइडिया कर सकते हो। 256 को आपने लिख दिया 2^8 और इसको आपने लिख दिया 3^8। जब ये काम आप कर लो तो फिर आपके लिए मसला नहीं है, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे सेम पावर होती है तो आप कॉमन ले लेते हो, आप एक साथ लिख देते हो पूरा, और यहां पर क्या मौजूद है 2/3 n-1। अब देखो बेसिस सेम है, पावर्स को आप इक्वेट करवा लो, यहां पे पावर है 8 और यहां पे पावर है n-1, यहां पे सॉल्व करना है n की वैल्यू 9 आ रही होगी, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये शुरू की 3 टर्म है ना, अगर आप इस सीक्वेंस की जो 9th टर्म लिखोगे वो ये वाली टर्म होगी, ठीक है। तो ये पूरा मेथड होता है, यहां से आपको हिंट मिलती है कि ऊपर वाली चीज को आपने 2 की फॉर्म में ब्रेक करना है, नीचे वाली चीज को 3 की फॉर्म में ब्रेक करना है। नॉर्मली जो आपके पास वैल्यूज आती हैं वो काफी इजी देते हैं, वो मुझे भी दे सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर है, लेकिन ज्यादातर इजी होती हैं। लाइक ऊपर मौजूद होगा 64 2^6 होता है और नीचे 3^6 को मौजूद होगी, या ऊपर दे देंगे 2^416 नीचे दे देंगे 3^481, तो आप आसानी से गैस कर लोगे, कैलकुलेटर भी है तो टेक्निक आपको यहां से पता चल जाएगी कि किस फॉर्म में आपने ब्रेक करना है। अगर यहां पे लिखा होता 2/5 तो भाई ऊपर वाली चीज को मैं 2^8 में ब्रेक करता, नीचे वाली चीज को मैं 5^8 में ब्रेक कर रहा होता, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, एक तो आपने सीधे तरीके से देख लिया कि अगर आपको ए आर एन पता हो तो फिर तो बहुत इजी मेथड है, वो तो बच्चा बच्चा कर लेगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, तो nth टर्म आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपको nth गिवन हो, a गिवन हो, r गिवन हो और n निकालना है, तो उसका मैंने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया। और लेट कर लो अगर आपको tn गिवन हो, r गिवन हो और n गिवन हो, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ए निकालना कोई इशू नहीं है, इस पूरी चीज को आप यहाँ के डिवाइड कर दोगे, ए आपके पास आसानी से आ जाएगा। तो तीसरा केस भी काफी इजी है, ए की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आर की पावर एन माइनस वन को यहां पे आके डिवाइड कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब मुश्किल चीज ये कि आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब कोई ऐसा सवाल जिसमें हमें आर की वैल्यू निकालनी हो, गिवन क्या हो, टी एन ए और एन, ये 3 चीजें गिवन है लेकिन आर की वैल्यू निकालनी हो,
ये कैसे हम निकालेंगे जरा उसको देख लो। और ये मेरे पास कोई सवाल है नहीं, बनाना पड़ेगा मुझे बुक में, तो आई गेस ऐसा कोई मिलेगा नहीं मुझे। हाँ तो ज़रा देखते हैं, इसी से कुछ बनाते हैं कि हमें ए पता हो, एन एस ट्रम पता हो, एन पता हो और आर निकालना है। सही है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। तो अभी तक मैंने तीन केसेस कौन से डिस्कस किए। सबसे पहला था कि आपको ए पता है, आर पता है, एन पता है, फॉर्मूले में सब वैल्यूज पुट करोगे स्ट्रेट अवे टी एन की वैल्यू आ जाएगी, ये तो बहुत इजी मेथड है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपको ए पता हो, आर पता हो और टी एन पता हो और अगर आपको एन निकालना हो तो बेसिस सेम करके प्रोसेस मैंने पूरा डिस्कस कर लिया। तीसरा केस ये हो सकता है कि आपको वो आर दे दें, आपको वो टी एन दे दें, आपको वो एन दे दें और आपको ए निकालना है, बहुत ईजी प्रोसेस है। उस फॉर्मूले को आप इस तरह लिख सकते हो, टी एन डिवाइडेड बाई आर की पावर एन माइनस वन। तो उस फॉर्मूले को जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो इस तरीके से ए की वैल्यू आ जाएगी। टी एन पुट करना, आर पुट करना, एन पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। चौथा वाला केस जो है उसको जरा देख लेते हैं कि अगर आपको ए पता हो, टी एन पता हो और एन पता हो और निकालना क्या है आपको, आर निकालना है, तो जरा इसका मेथड देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये कि लेट कर लो, अगर आपको ए गिवन हो 18 के बराबर, टी एन गिवन हो, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर देते हैं, 256 नहीं, चलो ऐसे ही रहने दो। लेट कर लो एन एस ट्रम गिवन है 512/729 और एन गिवन हो आपको 9 के बराबर और आपको यहां से निकालना है आर। सवाल तो वही है, आर दिखने में 2/3 आपको नजर आ रहा है यहां पे होगा, लेकिन जरा मैं बता रहा हूं कैलकुलेशन कैसे होगी, मेथड क्या होगा, अगर वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो मेथड किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले में पुट करो, टी एन की जगह लिखो 512/729, ए की जगह लिखो 18, आर की वैल्यू आपको निकालनी है और एन माइनस वन, एन यहां पे 9 है, 9 माइनस वन क्या होता है 8 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा अगेन वही काम करो, 18 को आके यहां पे डिवाइड कर दो, वही चीज आ जाएगी 256/6561 और यहां पे मौजूद होगा आर की पावर 8। अब देखो आपका वेरिएबल जो है ना ये नीचे है। अब इसका बहुत ही आसान तरीका है, आप दोनों तरफ ना, अब इसमें पॉसिबिलिटी आर की दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि इस डाटा के मुताबिक आप दो सीक्वेंस बना सकते हो, एक आर की पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे, एक आर की नेगेटिव वाली लोगे। निकालोगे कैसे, सिंपल प्रोसेस है, आप दोनों तरफ पावर 8 है ना। मेरा एक सिंपल सा मासूमाना सवाल है, अगर आपके पास ये चीज लिखी होती तो बच्चे बच्चे को पता है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। दोनों तरफ आपने क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, यहां पे स्क्वायर रूट लोगे स्क्वायर कैंसिल, यहां पे प्लस माइनस आएगा, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ये बच्चे बच्चे को पता है। तो इसी सवाल को अगर मैं ये कर दूं तो इसमें कौन सा मसला है, पहले आपने स्क्वायर रूट लिया था, अब आप कौन सा लोगे, एट्थ रूट लोगे, और आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में ये वाला बटन आपको मिल जाएगा। हाँ ये जो स्क्वायर रूट वाला बटन, नहीं स्क्वायर रूट वाला नहीं है, एक सेकेंड, मेरे कैलकुलेटर में तो स्क्वायर के साथ वाला बटन है, उसमें आपको इस टाइप का बटन मिल जाएगा, एक सेकेंड, शिव दबा के दबाओगे ना तो ये चीज आ रही होगी कैलकुलेटर में। तो आप क्या करना, यहां पे पुट करना 8, क्योंकि आपको 8th रूट निकालना है, और यहां पे पूरी वैल्यू पुट कर देना, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, और कैलकुलेटर आंसर क्या देगा आपको, आर की वैल्यू दे देगा 2/3, ठीक है। तो क्या करना है आपने, जो भी पावर लिखी हुई है उतना आपने रूट ले लेना है, अगर पावर क्यूब होती तो आप क्यूब रूट ले लेते, पावर 4 होती तो आप 4th रूट ले लेते। बस इन सवालों में यह होता है कि जब इवन पावर होती है ना तो आप प्लस माइनस लगाते हो, जैसे स्क्वायर रूट में आप प्लस माइनस लगाते थे, इसी तरह फोर्थ रूट में, सिक्स रूट में और एट रूट में आप प्लस माइनस लगाओगे, तो एक आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक आर की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप ऑप्शन में देख लेना, अगर दोनों वैल्यू लिखी हुई है तो बोथ का ऑप्शन होगा, या एक वैल्यू भी हो सकती है, मे बी ऑप्शन में बस पॉजिटिव वैल्यू आपके पास लिखी हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर देना, आंसर दोनों ठीक है, पॉजिटिव भी ठीक है और नेगेटिव भी ठीक है यहां पे। ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा इसका एक और प्रोसेस भी हो सकता है कि आप इसको अगेन वही पावर की फॉर्म में ब्रेक कर दो, मतलब 256 को आप इस तरह भी लिख सकते हो 2 की पावर 8 और 6561 को इस तरह लिख सकते हो 3 की पावर 8, फिर आप होल पावर 8 लेना, पावर दोनों की जगह 8 हो जाएंगी तो आप बेसिस को इक्वेट करवा देना। ये रूल दोनों होते हैं,
जब बेसिस सेम है तो आप पावर को इक्वेट करवा सकते हो, और जब पावर सेम है तो आप बेसिस को इक्वेट करवा सकते हो। तो इधर भी पावर 8 होगी जब आप होल पावर लोगे, इधर भी 8 होगी तो बेसिस को करवा लेना। दोनों तरीके से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो ये मेथड मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। पहला वाला मेथड इजी होगा, आपके पास कैलकुलेटर है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार फिर आपको ये काम करना पड़ेगा उसमें, इस तरह पता कर सकते होगे। फिर उसमें इतनी बड़ी नहीं आती, सबसे पहली बात पास्ट पेपर्स अगर आप देखो बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं आती, और प्यास का तो मेरे ख्याल में इजी होता है, नस में आप कह सकते हो, तो उसके लिए इतनी बड़ी वैल्यू होंगे नहीं। मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे मे बी आपके पास ये चीज आ जाए 64, नहीं वो तो मुझे पता नहीं होगा, 32 कर लेते हैं, 3 की पावर 5 मुझे पता है 243 होती है, 3 की पावर 6 729 हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो ये है, तो आप पता कर सकते हो 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 243। तो डिफरेंट हो सकते हैं, वो सवाल आपको थोड़ा इजी दे देंगे ताकि आपको मसला ना हो, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए सर। और ये सवाल मुझसे स्टूडेंट ने काफ़ी पूछा हुआ है, कितने मेरे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं, उनकी वर्किंग जब मैंने करवाई है ना तो वो बहुत बड़ी वर्किंग होती है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं ना, खासतौर पर जब हम यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाते हैं, बोर्ड में तो खैर घिसे पिटे वही एक ही दफ़ा एमसीक्यू चल रहे हैं ना, वो वैल्यूज चेंज करते हैं, उनको तो छोड़ दो। जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं उसमें स्टूडेंट कहते हैं सर इतने बड़े सवाल हम कैसे करेंगे, तो याद रखना जब भी आपको किसी नोट्स में, क्योंकि कुछ नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही मुश्किल सवाल डाल देते हैं, पता नहीं क्या उनकी मतलब होता है, लेकिन कितने नोट्स में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो लेंथी होते हैं, मैं उसको मुश्किल नहीं बोलूंगा, वो लेंथी होते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पास तो टाइम नहीं होगा, तो वजह ये होती है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो लेंथी एमसीक्यूज हमने दिया है वो आपके एग्जाम में आ जाएगा, वो उसकी वैल्यूज थोड़ी छोटी कर देंगे, आपको टाइम कम लग जाएगा। असल चीज़ जो क्लास में सीखने वाली होती है वो मेथड होता है, कि मेथड क्या आ रहा है इसका। अगर आपको मेथड आ जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, और जाहिर सी बात है जब वो टेस्ट बनाएंगे तो आपको वैल्यूज इजी दे देंगे। तो असल क्लास में जो डिस्कस की जाती है वो मेथड पे फोकस किया जाता है, लेंथ उसकी हो लेकिन मेथड आपको सही तरीके से आना चाहिए। उन्हीं में से सवाल था कि वैल्यूज थोड़ी आपको हार्ड लगेंगी, लेकिन मेथड अगर आपको आता है तो मसले आपके हल हैं। खैर बहुत लंबी होगी ये सवाल, यहाँ तक समझ आ गया, कोई इशू है तो पूछ लो। अच्छा ज्योमेट्रिक की 6.4 जो है ना, उसमें यही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया है। 6.4 में हर सवाल में अगर आप देखोगे ये जनरल टर्म का फॉर्मूला लग रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है, और हर सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2-3 पार्ट शुरू के ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट ट्राई कर लेना, वो काफ़ी हो जाएगा। बाकी जो मैंने एमसीक्यूज दिए हैं उनको सॉल्व करना, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा उसको देख लेना, बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यार सिंपल, आपने मैंने बताया था ना कैलकुलेटर में आप 8 रूट ले लेना। अच्छा मुझे बताओ क्यूब रूट लेना आता है कैलकुलेटर में, जिसने सवाल पूछा है? Yes, sir. तो बस क्यूब रूट जैसे लेते हो ना आप, 3 पुट करते हो, आप उसकी जगह 8 पुट कर देना। वैल्यू क्या पुट करोगे, ये पूरी वैल्यू जो लिखी हुई थी ना ये पुट कर देना। जैसे ये कॉन्सेप्ट यार अभी मैंने पूरा डिस्कस किया तो था कि जैसे अगर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होता स्क्वायर रूट, यहाँ पे अगर 2 होता तो आप क्या करते, स्क्वायर रूट लेते और प्लस माइनस लगाते 7। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे आप 8 रूट ले लेना, कैलकुलेटर में 8 ऊपर लिखना और नीचे पूरी वैल्यू लिख देना, कैलकुलेटर आपको 2/3 आंसर दे देगा। उसके बाद है ज्योमेट्रिक सीरीज, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका भी। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब वही है कि ज्योमेट्रिक जो टर्म्स हैं उनको आप आपस में ऐड कर दो, ज्योमेट्रिक पूरी जो सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस थी, ए ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू जो एनएस टर्म है ए आर की पावर एन माइनस वन, ये सारी टर्म थी जीपी की, आपने इनको ऐड कर दिया तो अभी आपके पास क्या आ गई, ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि ज्योमेट्रिक सीरीज का आपको सम पता होना चाहिए, तो इस पूरी चीज़ का सम लेट कर लो आप, एस एन के बराबर है। मालूम कैसे करोगे, फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है ए की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है
किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करने का। अगेन चार ही चीजें इसके अंदर, एक तो सम है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो, नंबर ऑफ टर्म, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब एक चीज मैं बता दूं इससे रिलेटेड के दो केसेस होते हैं, वो बुक वाले ने बनाए हुए, कुछ सिग्निफिकेंस कोई खास है नहीं उसकी, एक ही बात है कि वो बोलते हैं कि जब आर जो है मतलब कॉमन रेशो जो है वो ग्रेटर देन वन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, फर्क किसी में भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एमसीक्यूज में पूछेंगे तब फर्क पड़ सकता है। और अगर आर जो है वो लेस देन वन है, लेस देन वन का मतलब 0.5, 1/2, 1/3, सब लेस देन वन है ना, तो फिर आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। इसमें और इसमें फर्क ये है कि ऊपर है आर एन माइनस वन, नीचे है आर माइनस वन, इधर है वन माइनस आर एन, नीचे भी है वन माइनस आर, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आया कैसे है, आप ऊपर इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लो, नीचे इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको अपनी बुक में मिल जाएगी 6.4 के, जैसे ही आप आगे आओगे ना, जो आपका पेज नंबर है 182, पेज नंबर और हर चीज मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसमें देख लेना ये दोनों फॉर्मूले वहां पे उन्होंने डिस्कस किए हुए होंगे। तो अगर आपको कोई वर्किंग करनी है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, मैटर नहीं करता, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन एमसीक्यूज में कभी वो फॉर्मूला पूछ लेते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सम का फॉर्मूला बताओ, अगर आर ग्रेटर देन वन है तो फिर उसमें ये वाला जो आंसर है उसको आप ठीक रखोगे। लेकिन अगर आपको बकायदा सम निकालना है, आपको ए पता है, आर पता है, एन पता है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया फॉर्मूला सेम ही है, ये कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। सर अगर r इज इक्वल टू वन हो तो फिर, यार ये मैं बताऊंगा अभी, ये मैं ज्योमेट्रिक पढ़ लूँ, ज्योमेट्रिक करवा लूँ ना पूरी, उसके बाद मुझसे सवाल पूछना। अच्छा जी, अब दो फॉर्मूले हैं, अच्छा इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, मतलब ये बेसिकली एक ही फॉर्मूला था, इसको दो बनाया हुआ है, अब जरा दूसरा फॉर्मूला देख लो, उसका भी एक और बनाया हुआ होगा, और वो फॉर्मूला जो है वो लास्ट टर्म की फॉर्म में, कि अगर आपके पास लिखा हो ए एल, नहीं आर एल माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, आई गेस यही है, आर एल माइनस ए डिवाइड बाय आर वन, हाँ एक ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर आर जो है वो ग्रेटर देन वन है, और एक फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस एल आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर जब आर जो है वो लेस देन वन है। अब ये क्या बुला है भाई, ये सिंपल जैसे आपने पढ़ा था ना उसके अंदर एरिथमेटिक सीरीज के अंदर, एक फॉर्मूला था एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एक फॉर्मूला था n अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है उसमें l लास्ट टर्म थी, तो सेम इसमें लास्ट टर्म की फॉर्म में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपको सवाल में लास्ट टर्म पता हो, आपको फर्स्ट टर्म पता हो और आपको कॉमन रेशो पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। और अगर आपको सवाल में a पता हो, r और n पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके सम फाइंड कर लेना। कुछ मैं एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि मसले क्लियर हों। अच्छा जी, जैसे एग्जाम्पल नंबर वन लिखी हुई है, या क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एक ही बात है। 6.5 में क्वेश्चन नंबर वन है सम द सीरीज, इस सीरीज को आपने सम करना है, तो मेथड क्या होगा, आपके पास एक सीरीज गिवन है 1+4+16+64 अप टू कितनी टर्म का सम चाहिए आपको, 10 टर्म का सम चाहिए। ये शुरू की 4 टर्म लिखी हुई है, आपको शुरू की 10 टर्म जो है उनका सम मालूम करना है। एग्जाम में जब ये सवाल आएगा सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप चेक करोगे ना ये एपी है या जीपी है या एचपी है, एचपी नॉर्मल इस तरह होती नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले तो चेक करोगे ना है क्या, ये अरिथमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्या है। लेकिन हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज है क्योंकि आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर टर्म को, तो जरा देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, कॉमन रेशो 4 है, लेकिन कैलकुलेशन करके भी आप देख सकते हो 4/1 4 के बराबर होगा, 16/4 4 के बराबर होगा, और n क्या है 10, आपको 10 टर्म जो है, ठीक है n क्या है 10, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, शुरू की 10 टर्म का आपको सम चाहिए। तो डेटा में आपको a r n गिवन है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि इसमें आपको l नहीं पता, l कैसे पता करोगे, आपको पता है सीक्वेंस की आखिरी टर्म क्या है, नहीं, तो l में फंस जाओगे फिर, तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यूज पुट करो, ए क्या है यहां पे 1, आर की पावर एन 4 की पावर 10 माइनस 1, नीचे हो जाएगा आर माइनस 1 4 माइनस 1, तो अल्लाह भला करे ये हो जाएगा 4 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ऐड कर लेना आपके पास सम आ जाएगा।
मतलब इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेना, वैसे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपके पास इस सीरीज का सम आ जाएगा।